डन। मेरी टीम तो तैयार है और आपकी? सेलेक्ट योर टीम ऑन प्ले स्पॉट एंड स्टार्ट प्लेइंग अपना गेम। डाउनलोड द ऐप नाउ। देश की राजधानी दिल्ली में जो प्रदूषण है इसमें पराली की हिस्सेदारी 40% हो गई है। ये इस मौसम में सबसे ज्यादा स्तर है। हवा की गुणवत्ता की निगरानी करने वाली पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की एजेंसी सफर ने बताया कि शनिवार को पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में पराली जलाने की 3216 घटनाएं देखी गई, जिसके चलते दिल्ली NCR की हवा और जहरीली हो गई। पराली के धुएं के चलते हवा के चलने में भी रुकावट आ रही है। नासा के उपग्रहों से ली गई तस्वीरों में दिख रहा है कि पंजाब और हरियाणा के साथ उत्तर प्रदेश के बड़े हिस्सों में पराली जल रही है। जरा आप भी इन तस्वीरों पर नजर डालिए। सफर के मुताबिक नासा की सैटेलाइट तस्वीरों से हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पंजाब के बड़े हिस्से में आग के बिंदुओं का बड़ा समूह देखा गया। दरअसल रात के समय में प्रदूषण के कण हवा में ठहर जाते हैं। ऐसे में अब 3 नवंबर से एक बार फिर हवा का स्तर खराब श्रेणी में जा सकता है। लेकिन अब सिर्फ दिल्ली में नहीं, इससे सटे नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद में हवा बेहद खराब हो गई है। रविवार को एयर क्वालिटी इंडेक्स नोएडा और गाजियाबाद में 384, ग्रेटर नोएडा में 388, फरीदाबाद में 354 और गुरुग्राम में 306 दर्ज किया गया। पड़ोसी राज्य में पराली जलाने के अधिक घटनाओं और औद्योगिक प्रदूषण के कारण दिल्ली के जहांगीरपुरी में रविवार को सबसे खराब हवा में लोगों ने सांस ली। यहां का एयर क्वालिटी इंडेक्स 427 दर्ज किया गया। इस वजह से स्थानीय लोगों को सांस लेने के साथ साथ आंखों में जलन की शिकायत भी रही। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।